डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माहिरीन की अहम कामयाबी। कोरोना की राह में मज़ाहम इंसानी जीन में कुदरती तब्दीलियों की मौजूदगी का पता लगा लिया गया जो कोरोना वायरस को गैर मुअसर कर सकती है। तहकीक बैनुल अक़वामी साइंसी जरीदे में भी शाया हो गई। मज़ीद कामरान शेख बताएंगे। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माहिरीन की बड़ी कामयाबी, कोरोना के खिलाफ इंसानी जीन में कुदरती तब्दीलियों का पता लगा लिया। टीम के सरबरा डॉक्टर मुश्ताक हुसैन ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंसानी जिस्म में कोरोना वायरस को गैर मुअसर करने के लिए दो अहम तब्दीलियां सामने आई हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था 1000 जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें 1000 इंसानों या उनसे भी ज़्यादा इंसानों के पूरे जीनियाती मादे या DNA को सीक्वेंस करके डेटा बेस पर दे दिया गया था। दो ऐसी म्यूटेशन है जो कि मुमकिन तौर पर वायरस को जुड़ने से रोक सकती है। तो यानी कि जिन इंसानों में ये म्यूटेशन या ये तब्दीलियाँ मौजूद होंगी वो बड़े खुशकिस्मत होंगे। डॉक्टर नुसरत जबी का कहना था कि तहकीक से आलमी वबा के लिए तिब्बी वसाइल के तायुन में मदद मिलेगी। अगर ऐसी कोई म्यूटेशन हमें मिलती है या ऐसे वेरिएंट्स हमें मिलते हैं तो हम दूसरे ममालिक मगरबी ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ उस इन्फेक्शन का मे बी के उसका जो एक इंटेंसिटी है वो कम हो। तहकीक बैन अल-अक़वामी साइंसी जरीदे जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी ने भी शाया कर दी। रिसर्च में शरीक तालबात का कहना था कि तहकीक के जरिए कोरोना वायरस की अलामत में शिद्दत आने के इम्कानात भी हो सकते हैं। माहिरीन की टीम ने 1000 इंसानी जीनोम की डेटा माइनिंग करके मालूम किया कि ACE2 नामी जेन में होने वाले दो तगैरात कोरोना को पनपने से रोक सकते हैं।